हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू माय सुपर लाइफस्टाइल। तो आज है ट्यूसडे और मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज बन रहा है सेवई और उसके साथ बन रहा है पूरी। और गाइस, जिन लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन है नीचे, उसको क्लिक करके उसके बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। और जो जिन लोग मेरे पुराने दोस्त हैं उन लोग को थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। और आगे भी क्या आप लोग देखना चाहते हो वो सब चीज़ भी आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं भी कुछ चाहती हूँ कुछ नया बने। क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ हैं तो डेली एक एक चीज़, मतलब एक ही चीज़ दिखाते हम लोग भी खुद ही बोर हो जाते हैं कि क्या दिखाऊंगी नया चीज़। तो आप लोग खुद सजेस्ट कीजिएगा क्या देखना पसंद करोगे आप लोग, आप लोग को क्या अच्छा लगता है मेरे वीडियो में देखने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट्स तो ज़रूर कीजिएगा। और लाइक प्लीज़, जब वीडियो स्टार्टिंग करेंगे ना तब प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और उसके बाद वीडियो को पूरा फुल वॉच करके उसके बाद आप लोग कमेंट्स करके उसके बाद ही जाना। आप लोग स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है और हमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, हम क्या कर सकते हैं थोड़ा सा आप लोग को के साथ थोड़ा सा शेयर करने से हमको भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो बहुत दिन बाद हम दोनों को मौका मिला है कि ब्रेकफास्ट एक साथ करने के लिए। तो हम दोनों एक साथ बहुत दिन बाद एक ही प्लेट में खा रहे, शादी के बाद बाद तो हम दोनों एक ही प्लेट में खाना से दोपहर का खाना से लेके सुबह का ब्रेकफास्ट भी एक साथ करते थे। अभी क्या है, बाबू उनको खिलाना पड़ता है इसीलिए मौका ही नहीं मिलता है वो चीज़ एक साथ हम लोग एक साथ बैठ के खाना खाए एक ही प्लेट में। मैंने बहुत अच्छा लगता है खाने में एक साथ दोनों जन बैठ के बातचीत करो और गप्पे लड़ाओ और खाओ। ये देखिए बाप बेटे का प्यार। आगे घूम है नहा के और अभी टाइम हो रहा है 12 o'clock। और नहाने से पहले मैं आज बनाऊंगी शुक्तो, इसीलिए पूरा सब्जी को मैं काट के प्रिपरेशन करके मैं गई हूँ, क्योंकि देख रही थी कि बहुत टाइम हो जा रहा है। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो पहले नहा के कपड़ा धो के पूजा कर लूँ, उसके बाद खाना बना के भी खाने के लिए बैठ सकती हूँ। तो खाना बनाने के बाद 1-2 बज जाएगा, फिर जाऊँगी नहाने कपड़ा धोने और भी लेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे जान निकल जाता है 1 बजने के बाद। तो चलिए मिनिमम तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा, 3-4 आइटम बनाऊँगी, भात भी नहीं बिठाई हूँ, भात भी बिठाऊँगी तो फटाफट बना लेती हूँ, चलिए तब तक बने रहिए। तो मैं तो बताई थी कि आज मैं बनाऊंगी शुक्तो, तो उसके लिए 5 फोरन और रांधुनी को सबसे पहले मैं फ्राई करूंगी। और इधर ले ली हूँ सरसों, हरी मिर्च और अदरक, अभी इसको पीस डालूंगी। और तेल में सरसों तेल चाहिए, सरसों तेल में 5 फोरन और रांधुनी दोनों को तड़का लगाऊंगी। और मेरे पास बड़ी नहीं है इसलिए बड़ी नहीं डाल पा रही हूँ। तो जो भी इधर कच्चा केला और आलू को फ्राई करूंगी, इसको गोल्डन फ्राई करके निकालूंगी। और अभी मैं फ्राई करूंगी करेला, करेला को अलग से फ्राई करना पड़ता है, उसका जो कड़वापन है ना वो निकल जाए, इसीलिए अलग से कड़क टाइप का फ्राई करना पड़ता है। करेला तो फ्राई हो गया है, लाल लाल करके फ्राई की हूँ, इसका जो कड़वापन है ना वो चला जाता है। तो उसके साथ अभी मैं फ्राई करूंगी सेमी और उसके साथ है मूंगा। ये जितना भी प्रकार के सब्जी दे सकते हो ना देने से अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी लगता है। इसको भी मैं हल्का फ्राई कर लूंगी, इसे फ्राई करने के बाद मैं इसको भी कम कर दूंगी, सब्जी को मैं कम कर दूंगी, काट के इसको भी फ्राई कर दूंगी। तो इधर मैं सब जितना भी सब्जी को फ्राई की हूँ सबको एक साथ डाल के अभी जो पेस्ट बनाई थी तो उसी पेस्ट को डाल दूँगी। और हल्का सा फ्राई करके मिक्सी का जो पानी है उसी को डाल के अभी पानी डाल दूँगी।
कि इधर हो गया है मेरा, उबाल आ गया है, आलू भी पक गया, सब्जी भी पक गया है, अभी ग्रेवी भी पक गया है। अभी इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा शुगर, शुगर डालने से ये बैलेंस होगा सब्जी। अभी इसके अंदर डालना पड़ता है दूध, दूध घी, घी मैं नहीं दिखा पाई हूँ, दूध डाली हूँ। पक रहा है और मैं क्या क्या बनाई हूँ आपको थोड़ा सा शेयर कर लूँ, तो चलिए दिखाते हैं। मैं बनाई हूँ कुचाई, शकाड़ी, और इधर है दाल और भात तो है, और शवाई थोड़ा सा बचा है, मम्मा आएगी ना तो शाम के टाइम आके खाएगी वो, और पापा बेटा जाके अभी बनाना लेके आए, और बाबू को बनाना बहुत पसंद है ना बाबा, और क्या लेके आया, टोपी है ना, हाँ टोपी बाबू के लिए, टोपी सनग्लास सब है। तो चलिए बाबा है, बाकी का सब पूरा धो दी हूँ, तभी थोड़ा थोड़ा करके ना धो देती हूँ बर्तन को, तो इसीलिए ना ज़्यादा बर्तन नहीं हो पाते। तो अभी चलिए मेरे हस्बैंड आ जाए, उसके बाद गुड आफ्टरनून। तो मैं थोड़ा सा आई थी छत पर अपलोड करने के लिए, इसको मैं बांध दी थी ना, तो ये अभी जा रहा है। चलिए मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ लौकी। लौकी हुआ है, चलिए इधर भी मूंगा झाड़ में हुआ है मूंगा, तो आज बनाई हूँ मैं मूंगा, मूंगा का सब्जी। ये रहा मूंगा झाड़। तो चलिए मैं तब तक कपड़ा को उठा लूँ, सब कपड़ा सूख गया है, सब कपड़ा सूख गया है, मैं उठा लूँ। चलिए तब तक उठा के पर चलती हूँ नीचे। वेजिटेबल्स नेम Pumpkin, cabbage, potato, brinjal, tomato, garlic, onion, ginger, chili. ওই তো তুমি যে বলে না কথা না কি বল এই ধর রাখ দো না, এই ধর রাখ দো না, ঠিক হ্যাঁ, ইসিলিয়ে মে বলতি দুপুর কো মত সোয়া করো। ইধর বন রহা হ্যায় কেক, কেক কা ক্যা বন রহা হ্যায়, ব্যাটার, अरे न्यू तरीके से केक बन रहा है, अच्छा क्रीम, क्रीम बन रहा है, अच्छा अच्छा सॉरी। तो पूरा बाद में लुक दिखाऊंगी, अभी ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, पूरा बन जाए उसके बाद दिखाती हूँ। ये क्या बन गया भाई, पारगाड़ ना केक, क्या बन उधर ले जाओ बाबा, बीच में अच्छा नहीं लगता, नहीं ठीक है ना, कोई बात नहीं, नहीं नहीं दा दे 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 दे, रख 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 रख, हैप्पी बर्थडे केक हो चलो, कौन काटेगा, ए जान तुम ही काटो बर्थडे, तू को तू को बाबू काटेगा, ये तो एनिवर्सरी डेकोरेटिव लगना चाहिए बाबा, पलटी करे काटो, चाकू को उल्टा करे काटा, ऐसा करे काटो, हाँ चलो काटो, फोटो खींचो, पहले ऐसी सिंगल केक किया, सिंगल का प्योर पिक्चर।
सिंगल चलो चलो बाबून दूर दूर बाबून दूर में जाओ थोड़ा सा दूर में जाओ क्या खा रहा है ये मम्मा का पहली बार बनाई है केक Happy birthday to you, Sita. Happy birthday to you. Babu. Happy birthday to you. I'm in Kenya. ये पूरा ब्रेड है इसके ऊपर से चॉकलेट क्रीम का कोट है ना हो गया केक बन गया ऐसा केक यूनिक ऐसे मैं ही बना सकती हूँ हाँ सही में तू ही बना सकती है किसी के दिमाग में आया हो ये इस टाइप का केक अरे वाह 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 খাও এ মুক্তি চুইনগামটা বার করো ফেলাসো বাইরে এই ডাস্টবিনে ফেলাসো আরে ই আচ্ছা হ্যাঁ মাম্মা বলে ওয়াও ওয়াও মাম্মাকে বল দে মাম্মাকে বল দে ইয়া ইয়া মাম্মাকে বলো ঠিক আছে चलो मम्मा का नया रेसिपी कैसा लगा सब जन बोलना कमेंट बॉक्स में मम्मा ने नया तरीके से अरे बाप रे बाबून का ही बाइट पर बाइट तो पहले भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करते रहती है मगर अभी टाइम नहीं मिलता उसको इसीलिए नहीं कर पाती है तो अभी टाइम है 9:30 मैं अभी जाऊंगी रोटी बनाने रोटी हो जाए बैठूंगी खाने के लिए और मेरे हस्बैंड सब प्रकार के सब्जी के साथ मैं फ्राई की हूँ उसी के साथ रोटी हो जाएगा उनका तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट इधर इधर मन दिखा भाई मेरे को पूरा चॉकलेट चॉकलेट करके बैठी है मुँह